कि रंग महल की चौथी भूमिका में है। पूर्व दिशा के 10 मंदिर के लंबे छज्जे पर और वहां से जाना है निरत की हवेली में, तो वो किस प्रकार से शोभा देखते दिखलाते जाएंगे। श्री रंग महल की चौथी भूमि 10 मंदिर के छज्जे में है। सबसे पहले आत्म देखती है 10 मंदिर के छज्जे की शोभा। छज्जे की पूर्व किनार पर 10 स्तंभ खुले आए हैं, सुंदर नूरमय रंगों नगों से जगमगाते ये नूरी थम। इन थम्भों का क्रम वही है जो प्रथम भूमिका से चला आ रहा है। ठीक मध्य में हीरा की मेहरा, दो मंदिर की चूड़ी। उत्तर दिशा की ओर देखते हैं तो एक मंदिर की चूड़ी चार मेहराबे। हीरा की मेहराब से लगती पहली मेहराब हीरा मानिक की, दूसरी मानिक पुखराज, आगे पुखराज पांच, पांचों नीलवी। इसी तरह से क्रम दक्षिण दिशा की ओर भी है। नूरमय रंगों नखों से झिलमिलाते अति सुंदर चित्रामन से सजे ये थम, उन पर आई नूरमय शोभा से युक्त मेहराबों की शोभा। दो मंदिर की चोड़ी जो हीरा की मेहराब है, उनमें छत्र लटक रहे हैं और थम्भों के मध्य अति सुंदर नूरमयी कठेड़ी की शोभा आई है। और इन 10 मंदिर के लंबे छज्जे के उत्तर और दक्षिण दिशा में नीलवी की अति सुंदर मेहराब जगमगा रही है। इन छज्जे पर सुंदर गिलम सिंहासन कुर्सियों की शोभा, छत पर नूरी चंद्रमा की झलकार। इन छज्जे के कठेड़ों से लगकर सखियां चांदनी चौक सात वनों की शोभा के आनंद लेती हैं, आगे यमुना जी के आनंद लेती हैं। 10 मंदिर के लंबे छज्जे को देखते हुए शोभा निहारते हुए रूह भीतर की ओर चलती है, तो देखते हैं कि ये जो 10 मंदिर का छज्जा आया है, इन 9 मंदिरों से 3 सीढ़ी ऊंचा आया है। 10 मंदिर के हास के ये 9 मंदिर ठीक मध्य में 2 मंदिर का लंबा 1 मंदिर का चौड़ा मंदिर जो धाम दरवाजे के वास्ते आया है, दरवाजे का मंदिर कहलाता है। इनके दोनों ओर चार चार मंदिर, इन मंदिरों से ये छज्जा 3 सीढ़ी ऊंचा है। तो इस तरह से इन मंदिरों का चरोखा यही छज्जा हुआ। इन छज्जे से 3 सीढ़ी उतरकर अति सुंदर नूरमयी सीढ़ियां उतरकर इन 2 मंदिर के मंदिर में खुद को महसूस किया। दो मंदिर का तो लंबा और एक मंदिर का चौड़ा ये मंदिर नूरमयी शोभा से युक्त। इन मंदिर की उत्तर और दक्षिण दीवार की शोभा को आत्म पहले देखती है तो यहां देखेगी एक बड़ी मेहराब। बड़ी मेहराब में 3 मेहराबे, ठीक मध्य में दरवाजे की शोभा, दाएं बाएं नूरमयी चित्रामन की शोभा। इन मंदिर की उत्तर दक्षिण दीवार की शोभा, इन नक्शे के माध्यम से एक बड़ी मेहराब, मेहराब की नोक पर और दाएं बाएं लाल मानिक के अति सुंदर फूल। इन मेहराब में 3 मेहराबे, 3 छोटी मेहराबे, ठीक मध्य में दरवाजा और दाएं बाएं दीवालों की अति सुंदर शोभा। तो इन मंदिर के उत्तर और दक्षिण तरफ की दीवालों में इस प्रकार की शोभा आई है। इन मंदिर की पश्चिम दीवार की शोभा, दो मंदिर की इन लंबी दीवार में ठीक मध्य में 88 हाथ का नूरमयी दर्पण का किवार, मानिन धाम दरवाजा जो प्रथम भूमिका में देख चुकी है, उसी प्रकार से यहां पर भी चौथी भूमिका में धाम दरवाजे के मंदिर की शोभा हुई। 88 हाथ का नूरी दर्पण रंग का दरवाजा, लाल रंग की एक सीढ़ी ऊंची चौखट, हरित रंग की वेनी,
कुंडी सांकल की अपार शोभा, दरवाजे के दोनों ओर जो 56 56 56 56 हाथ की जगह रही, वह नूर में रतन मनियों से जड़ित दीवार की शोभा। दरवाजे के ऊपर छोटी मेहरा, ठीक इसी प्रकार की शोभा पूर्व दीवार में हुई। इन शोभा को एक अन्य नक्शे से भी समझते हैं। नूरी दर्पण के रंका की वाड़, बेशुमार चित्रामन, हरे रंग की बीनी, कुंडी सांकल की शोभा, एक सीढ़ी ऊंची चौखट की शोभा, सिंध्या रंग की अति सुंदर जड़ावयुक्त चौखट और द्वार के दोनों ओर सुंदर नूरमय दीवालों की शोभा, दरवाजे के ऊपर छोटी मेहराब की शोभा। तो इन बड़े मंदिर की पूर्व पश्चिम में इस प्रकार की शोभा हुई। धाम दरवाजे के वास्ते आए इन मंदिर की शोभा को देखते हुए दरवाजे को पार किया तो खुद को एक गली में देखा, सुंदर नूरमयी गली। नूरी आभा से झलमलाती, सुगंधी से लबरेज, आगे 28 स्तंभ का चौक। 28 स्तंभ के चौक को आतंक पार करती है 28 स्तंभ के चौक की शोभा को देखते हुए। चौक की चारों तरफ सुंदर नूरमय धम उन पर आई नूरी मेहराबे। चौक में सुंदर गिलम सिंहासन कुर्सियों की अपरंपार शोभा, धम्भू को भराएगी चंद्रमा की शोभा। 28 स्तंभ की चौक की शोभा देखते हुए 28 स्तंभ के चौक को पार किया तो उन्हें खुद को एक गली में देखा, आगे पहली चौरस हवेली। इन हवेली के मुख्य द्वार की शोभा को देखते हुए दरवाजे को पार किया और खुद को हवेली के भीतर महसूस किया। हवेली के मुख्य दरवाजे को पार किया, आगे एक गली। इन गली की शोभा देखते हुए आगे थम की हार की मेहराब से होते हुए पुनः गली में खुद को देखा, आगे 3 सीढ़ियां चढ़कर चबूतरे पर आए। चबूतरे के 17 मंदिर पार करने हैं। चबूतरे की शोभा देखते हुए रू पार करती है सुंदर नूरमय चबूतरा, चबूतरे पर किलम सिंहासन कुर्सियों की शोभा, थम्बू को भराई की नूरी चंद्रमा की शोभा, चबूतरे की चारों दिशाओं से उतरती सीढ़ियों की शोभा, सीढ़ियों की जगह छोड़कर सुंदर नूरमय कठेड़ी की शोभा। शोभा देखते हुए चबूतरा पार किया, पश्चिम तरफ से 3 सीढ़ी उतरे, आगे 3 मंदिर चलकर 1 2 3 इस तरह से 3 मंदिर चलकर पहली हवेली को पार किया। पहली चौरस हवेली से बाहर निकलेंगे तो आगे त्रिपोलिया की शोभा, 2 थम्भों की हार, 3 गलियां, अति सुंदर नूरमय शोभा। हवेली के मुख्य द्वार यहाँ आमने सामने पड़ गए हैं तो 24 मेहराबों की शोभा, दरवाजों के दोनों ओर चबूतरों की शोभा, आमने सामने आए ये चबूतरे अति सुंदर नूरमय शोभा। इस तरह से इन 3 गलियों को पार किया, दूसरी हवेली के भीतर आए। इस तरह से जैसी पहली चौरस हवेली थी उसी तरह से शोभा से युक्त 2 हवेलियां और पार की। दो हवेलियां त्रिपोलिया सहित पार करके चौथी हवेली जो नीरद की हवेली आई है उनकी पूर्व किनारे पर खुद को महसूस किया। छोटी हवेली नीरद की हवेली के पूर्व किनारे पर खुद को महसूस किया। इस तरह से नीरद की हवेली शोभा दिखलाई कि छोटी भूम के 10 मंदिर की चज्जे पर है तो किस तरह से शोभा देखते दिखलाते रमन करते हुए नीरद की हवेली में आतंक पहुंचती है। नीरद की यह हवेली 23 मंदिर की लंबी चौड़ी आई है और ग्रिड आई है 88 मंदिर की। इन हवेली की जो चौक बाई है
चौदह हवेलियों की समानी आई है, जो डिफरेंस है उसका वर्णन आगे कर रहे हैं। नीरद की हवेली को घेर कर बाहर की ओर, हवेली के बाहर की ओर 100 खंभों की शोभा आई है। हवेली को घेर कर बाहर की ओर 100 खंभ आए हैं। नूरमय जवेरातों के थम अति सुंदर शोभा लिए, चेतन चित्रामन से सुसज्जित नूरमय मेहराबे बेशुमार कटाव से सुंदरता लिए। हवेली के दक्षिण तरफ की शोभा देखी, हवेली की दक्षिण दिशा ठीक मध्य में मुख्य दरवाजा, हवेली का बड़ा दरवाजा, दरवाजे के दाएं बाएं 10-10 मंदिर। अति सुंदर लिए ये शोभा। हवेली की दक्षिण दीवार की शोभा देखी, ठीक मध्य में मुख्य दरवाजा, दरवाजे के पूर्व और पश्चिम में 10-10 मंदिर। दरवाजे वाले मंदिर की शोभा देखते हैं, इन दरवाजे के भीतर हैं तो देखेंगे जो दीवार पाखे के मंदिरों की तरफ है उनमें छोटे दरवाजे, हवेली के भीतर की ओर जो दीवार जा रही है उनमें बड़ा दरवाजा, माने धाम दरवाजे की तरह। इस तरह से हवेली के बाहर की ओर जो दीवार खुल रही है, दक्षिण दिशा का दरवाजा है तो उत्तर और दक्षिण तरफ की जो दीवारें हैं उनमें बड़े दरवाजों की शोभा। दक्षिण दिशा ठीक मध्य में मुख्य दरवाजा, दरवाजे की बाहर की ओर दोनों तरफ 2 चबूतरे, एक एक मंदिर के लंबे चौड़े मंदिरों की दीवार के साथ लगते हुए आए हैं। एक एक मंदिर के लंबे चौड़े ये चबूतरे, चबूतरों के किनार पर थंबू की शोभा, जिनमें पूर्व पश्चिम और दक्षिण तरफ तो खुली मेहराबे और उत्तर की तरफ अक्षी मेहराब आई है। सुंदर नूरमय शोभा इन चबूतरों की। दक्षिण दिशा की शोभा देख रही है, ठीक मध्य में मुख्य दरवाजा, दरवाजे के दोनों ओर 10-10 मंदिर। इन मंदिरों में देखन के 4 गिनती के 3 दरवाजे आए हैं, क्योंकि बाकी का दरवाजा दोनों मंदिरों में काम दे रहा है और ये मंदिर लाखी रंग अर्थात लाल रंग की सुशोभित है। पश्चिम दिशा की शोभा, ठीक मध्य में दरवाजा, दरवाजे के दाएं बाएं 10-10 मंदिर। इन दरवाजे के बाहर की ओर 2 सुंदर चबूतरों की शोभा आई है। दक्षिण दिशा की शोभा देखी, ठीक इसी प्रकार उत्तर दिशा में ठीक मध्य में मुख्य दरवाजा, दरवाजे के दोनों ओर 10-10 मंदिर, दरवाजे के बाहर चबूतरों की शोभा। ये मंदिर पीले रंग अर्थात पुखराजी आभासी अति सुंदर जगमगाहट से रोशन हो रही है। इन हवेली की पूर्व दिशा, यहां जो 21 मंदिर आने चाहिए थे वह थंबों की 2 हारे आई हैं। 20 स्तंभों की 2 हारे, यहां पर सुंदर दैलान की शोभा हुई है। इन नक्शे के माध्यम से शोभा देखते हैं। इन हवेली की पूर्व दिशा, वहां 21 मंदिरों के स्थान पर 20 स्तंभों की 2 हारे आई हैं, जिन पर सुंदर 21-21 मेहराबों की 2 हारे आई हैं। 21 मंदिर की दैलान शोभा ले रही है। ये थंब हरे रंग में अति सुंदर शोभा दे रहे हैं।
हरी दीवाल जो मंदिर सो सामी है नेक दूर। तीसरी हवेली की जो दीवाल आई है पश्चिम दिशा में, ये हरे रंग में शोभायमान हो रही है। इस तरह से नीरद की हवेली की अभी तक शोभा देखी, पूर्व दिशा में दहलान की शोभा, पश्चिम दिशा में सफेद रंग की अपार शोभा, श्वेत मंदिर श्वेत तीर्थम, दक्षिण दिशा में लाखी रंग के मंदिर और उत्तर दिशा में पुखराज रंग के मंदिर, पीले रंग के मंदिर। अब शोभा आगे देखते हैं, आगे शोभा देखते हैं सदगुरु महाराज श्री जी के प्रदर्शन के माध्यम से। अग्नि कोना, हवेली का अग्नि कोना, ये मंदिर लाखी रंग का आया है और ईशान कोने वाला मंदिर पुखराज रंग का आया है। नैऋत्य कोने का मंदिर देखते हैं। इन हवेली के नैऋत्य कोने वाला मंदिर देखते हैं। इन मंदिर की जो पूर्व की दीवार है और जो दक्षिण की दीवार है वे लाखी रंग में लाल रंग में शोभायमान है और पश्चिम तरफ की दीवार और उत्तर तरफ की दीवार सफेद रंग में जगमगा रही है। इसी प्रकार से आगे शोभा दिखला रही है वायु कोने के मंदिर की पश्चिम दीवार और दक्षिण दीवार सफेद रंग में जगमगा रही है और उत्तर दिशा में और पूर्व दिशा की जो दीवार आई है वो पुखराज पीले रंग में जगमगा रही है। ये जो हवेली है इनमें 64 मंदिर आए हैं। तीन मंदिरों के स्थान पर तीन दरवाजे आए हैं तीनों दिशाओं में और पूर्व दिशा में 21 मंदिर की दहलान आई है। इन हवेली की बाहर की ओर चारों दिशाओं में 24-24 मेहराबे आई हैं। पूर्व में देख चुके हैं इन हवेली की पूर्व दिशा में मंदिर ना आके तंबू की दो हारे आई हैं। तो इन चबूतरे से मध्य चबूतरे से तीसरी हवेली के पश्चिम तरफ तक देखते हैं तंबू की 6 हारे आई हैं। चबूतरे से लेकर तीसरी हवेली के पश्चिम तरफ किनार तक पहली हार, दो हारे इन दहलान की 3 और दो हारे जो मध्य त्रिपोलिया में दो थम्बों की हार 3 गलियां आती हैं वो और थम की एक हार चबूतरे पर, तो 6 थम्बों की हारे सुंदर दहलान के रूप में दिखाई दे रही हैं। नीरद की हवेली की शोभा देखी। कृष्ण पक्ष के 15 दिनों में आप शिवराज जी श्यामा जी और सखिया वनों में लीला विहार करके श्रृंगार सजते हैं और रंग महल में आते हैं। रंग महल की प्रथम भूमिका में रसोई की हवेली में आरोगन की लीला करते हैं। आरोग्य के कई प्रकार के सुख लेके चौथी भूमि में जाते हैं और नीरद का आनंद लेते हैं। चौथी भूमि में नीरद की हवेली जहाँ नवरंग बाई अपनी जुद की सखियों के संग नृत्य करके आप शेरा जी श्यामा जी को रिझाती है। नीरद करे नवरंग बाई पासी कई विध बाजे बजाए, निरत करे और गावे पासी सखिया सर पुराए, पासी सखिया सर पुराए। चौथी भूम की चौथी चौरसवी जब पीरों की प्यारी नवरंग बाई नृत्य करती है तो अनेक प्रकार के वाद्य बजते हैं। नवरंग बाई नृत्य के संग संग मधुर गायन भी करती है।
सखियां भी उनके स्वर में स्वर मिलाकर गायन करती हैं। नवरंगबाई का मनमोहक नृत्य प्रारंभ होता है। सुंदर मनमोहक नृत्य, तो उनके हाथों और पैरों के आभूषण बेहद ही मधुर ध्वनि निकालते हैं, जिसकी गूंज रंग महल की सभी भूमिकाओं में गूंजती है। नवरंगबाई अपने पैरों को कुछ ऐसी कला के संग चलाती है, जब वह चाहती है कि घुंघरी बजे तो घुंघरी का आभूषण ही बजता है, जब वह चाहती है कि झांझरी की मधुर आवाज गूंजे तो झांझरी ही बजती है। नीरद की हवेली में होने वाला यह नृत्य रस परम धाम के 25 पक्षों में महसूस होता है। स्वलीला अद्वैत परम धाम में, परम धाम के 25 पक्ष इन अलौकिक लीला का आनंद लेते हैं। जहां जहां नजर करी जानो निरत भूत सब ढो, कोई ढोल खाली नहीं, जा देखे तहां और, जा देखे तहां और। रंग महल की चौथी भू, चौथी भू की निरत की हवेली, निरत की हवेली की अलौकिक लीला को समझने का प्रयास कर रहे हैं। अब श्री राजी महाराज की अपार मेहर से और सतगुरु महाराज की प्रेरणा से पूर्व में शोभा देख चुकी है। इन हवेली के पूर्व तरफ 21 स्तंभों की दहलान आई है। उत्तर दिशा में पुखराजी रंग में महकते मंदिर, पश्चिम दिशा में श्वेत आभा से जगमगाते मंदिरों की शोभा, दक्षिण दिशा में लाखी रंग के मंदिर। आगे शोभा देखते हैं ठीक मध्य चबूतरे की। रंग महल की चौथी भूमिका 28 स्तंभ के चौक को पार किया, आगे तीन हवेलियां पार की। तीसरी हवेली के पश्चिम द्वार से बाहर निकले तो दो थंभों की हर तीन गलियां, इन्हें पार किया तो देखेंगे चौथी हवेली के पूर्व की ओर 21 मंदिर की दहलान आई है। इन दहलान को मध्य की मेहराब से होते हुए पार करते हैं। सुंदर नूरमयी दहलान की शोभा, नूरमयी थम उन पर आई, नूरमयी मेहराबे। दहलान को पार किया तो खुद को एक गली में पाया, खेर कराई सुंदर नूरमयी गली। आगे थम की हार को पार किया तो पुनः खुद को नूरमयी गली में देखा, आगे कमर भर ऊंची चबूतरे की शोभा। ठीक मध्य में आया कमल भर ऊंचा चबूतरा, चबूतरे के किनार पर नूरमयी थंभों की शोभा, घेर कर आए 68 थंभ जिन पर 68 मेहराबे आई हैं, और चबूतरे की चारों दिशाओं से तीन तीन सीढ़ियां रोंस पर उतरी हैं, चारों दिशाओं से तीन तीन सीढ़ियां रोंस पर उतरी हैं। मध्य में आया नूरी चबूतरा, किनार पर आए सुंदर नूरी थम, चारों दिशाओं से उतरती सीढ़ियां, शेष जगह कठेड़ा, कठेड़े के साथ सुंदर तकियों की शोभा, चबूतरे को हराए के पश्चिमी किलम की शोभा, अति सुंदर नूरमयी शोभा। उत्तर दिशा की बात करें, थम की पहली हर चबूतरे पर, दूसरी हर और मंदिरों के बाहर घेर कर जो थम की हराई है, तीनों हारे और मंदिर उसी रंग के आए हैं। पश्चिम दिशा में देखिए सफेद रंग के मंदिर आए हैं, तो थंभों की तीनों हारे भी सफेद रंग में जगमगा रही हैं, अति सुंदर नूरमयी शोभा। 68 थंभों को भराई की नूरी चंद्रमा की शोभा, सुंदर नूरमयी चंद्रमा की शोभा, जिनमें नगों की झालर की शोभा।
बुक भराई की मोरी पश्चिमी गिलम, उन गिलम पर सुंदर सिंहासन कुर्सियों की शोभा है, सिंहासन के आगे नूरमयी चौकियों की शोभा है। ये शोभा हुई मध्य के चबूतरे की। इत होत निरत चौथी भूमि में देखी नैनो नूर जमाल, ए निरत भूम चेतन में देख रूही होत खुशक। रंग महल की चौथी भूम निरत की हवेली में निरत की लीला होती है, जिसे आप शेरा जी श्यामा जी अपने नैनों से देखते हैं। परम धाम की चेतन भूमिका और उन चेतन भूमिका का अलौकिक नृत्य, जिसे देख देख कर सखियां बेहद ही प्रसन्न होती हैं। ये इश्क है हक का, हकी करत इत प्यार, हकी निरत करावत है आप ही देखन हा। सखियों के हृदय में जो इश्क है वह शेर राजी का है, और राजी भी उनसे बेहद ही प्यार करते हैं। नृत्य करवाने वाले भी शिवराजी हैं, वो देखने वाले भी शिवराजी स्वयं हैं। सो लीला अद्वैत परम धाम में सच्चिदानंद पार ब्रह्म कण कण में विराजमान है, वे स्वयं ही वाद्य यंत्रों के रूप में है, बजाने वाले भी स्वयं हैं, गायन भी स्वयं करते हैं, स्वयं का गुणगान करके अपनी पहचान भी आप ही करा रहे हैं। श्री रंग महल की चौथी भूम निरत की हवेली, ठीक मध्य में चबूतरे की शोभा, कृष्ण पक्ष में 15 दिन इस चबूतरे पर बैठकर सखियां आप शेरा श्यामा जी नवरंग भाई की युद्ध की निरत लीला को देखते हैं। जब नवरंग भाई नृत्य करती है तो उसका प्रतिबिंब पूरे परम धाम में दिखाई देता है। दिव्य परम धाम की संपूर्ण भूमिका नूरमयी एक रस चेतन हीरे की है। अलौकिक नृत्य के समय युगल स्वरूप शिवराज श्यामा जी सिंहासन पर विराजमान होते हैं, तब सब सखियां चारों तरफ घेर कर बैठती हैं। युगल स्वरूप आप शिवराज श्यामा जी सिंहासन पर विराजमान होते हैं, और सखियां घेर कर बैठती हैं। युगल स्वरूप सिंहासन जब बैठे इन तकत रूही घेर गृद बैठिया हुआ निरत कपट। नवरंग बाई का स्वरूप अति किशोर अवस्था का, जब वह वस्त्राभूषण पहनकर श्रृंगार सजती है तो उनकी नूरमयी रोशनी अपार झलकार करती है। नवरंग बाई निरत की हवेली के मध्य चबूतरे पर आकर शिवराज श्यामा जी के सम्मुख खड़ी होती है, साथ में इनकी जुद की अन्य सखियां भी होती है। सभी शिवराज जी के सम्मुख खड़ी होकर उनका सुंदर मुखार बिंद निहारती है। धाम की अलौकिक नृत्य के समय कई प्रकार के वाद्य यंत्र बजते हैं। श्री राम महल की नौ भूमों में इन यंत्रों की नृत्य की प्रतिध्वनि गूंजती है। नवरंग बाई सर्वप्रथम अपनी रसना से गायन करती है, जैसा दिल में भाव होता है उसी प्रकार से नृत्य करती है। जिस प्रकार से नृत्य होता है मृदंग भी वैसी ही बजती है। नवरंग बाई अपने अंगों से जैसा भाव दिखलाना चाहती है वैसे ही सभी वाद्य यंत्र बजती है। शिवराज जी के सन्मुख खड़ी नवरंग बाई अति प्रेम भरे स्वरों से नृत्य करती है।
अत्यंत ही मनोहारी सुंदर स्वरों से पांव के आभूषण बजते हैं। जिस नृत्य को देखने वाले स्वयं श्री राज श्यामा जी हैं, उन नृत्य की शोभा का वर्णन किन प्रकार से हो। नृत्य करती हुई सखियां जब श्री राज जी के पास जाती है, तब यह नृत्य संपूर्ण परम धाम में प्रतिबिंबित होता है। संपूर्ण परम धाम में सबको ऐसा लगता है कि हमारे सामने ही नृत्य हो रहा है। निरत करत जब जाते हैं आगे नजीक हम, सब दूरों भाष्य प्रतिबिंब तामे रहे न कहूश। इस प्रकार से कृष्ण पक्ष में वनों में विहार करके श्री राज श्यामा जी सखियों सहित जब सायकाल चांदनी चौक में आते हैं, लगभग 6:30 बजे 100 सीढ़ियां 20 चांदों सहित पार करके दो मंदिर के लंबे चौड़े चौक में पहुंचते हैं। आगे धाम दरवाजे का मंदिर पार करते हैं, एक नोरमई गली आगे 28 स्तंभ के चौक की शोभा देखते हुए पार करते हैं। 28 स्तंभ के चौक को पार किया, एक गली पार करते हैं, 11 मंदिर की दहलान पार करते हैं। आगे एक थम किया, दो गलियां पार करके पहली चौरस हवेली के चबूतरे पर आते हैं और आरोगण की लीला करते हैं। इस चबूतरे पर 2 घड़ी तक आरोगने की लीला के आनंद लेते हैं। रसोई के चौक में आरोगने की लीला करके सीढ़ी वाले मंदिर से पहली भूम से दूसरी, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी भूम पहुंचते हैं। त्रिपोलिया में आते हैं, 2 थम्भों की हर 3 गलियां। त्रिपोलिया की मध्य गली से पश्चिम की ओर चलते हैं। मध्य त्रिपोली से 3 हवेलियां पार करके फिर दक्षिण दिशा की ओर होते हुए आप श्री राज जी श्यामा जी और सखियां चौथी हवेली के दलान के पूर्व तरफ खुद को पाते हैं। आप श्री राज जी श्यामा जी और सखिया दहलान को पार करते हैं। नूरमयी अति सुंदर शोभा लिए दहलान आगे एक थम किया, 2 गली सीढ़ियां चढ़ती हुई 3 सीढ़ियां चढ़कर चबूतरे पर आते हैं। निरत की हवेली के मध्य आए चबूतरे पर गिलंबन सिंहासन कुर्सियों की शोभा। श्री राज श्यामा जी सिंहासन पर विराजमान होते हैं और घेर कर सखियां विराजमान होती हैं। चौपाई निरत होत चौथी भूम में एक भोर लग रहा हक सुभान रीज के हाथ बीड़ी दीद कहे बात। रात्रि के 9 बजे तक नृत्य की लीला, नृत्य की लीला के उपरांत श्री राज जी प्रसन्न होकर नवरंग बाई के समूह को अपने कर कमलों से पान का बीड़ा देते हैं और पौने का समय हो जाता है, तब रात्रि के 9 बजते हैं। इसके बाद श्री राज श्यामा जी और सखियां शयन के लिए 5 ही भूम जाते हैं।